हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गिव्स अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज जनरली कॉल्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? जब आपका ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आपको उसको हम जनरली क्या कहते हैं बोले? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता क्या, पहले इसको देखते हैं। देखिए, अगर आपका कोई मेटल आयन होता है, ठीक है, मेटल आयन है, उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा होगा। लेट्स से हमारे केस में हमने कोई मेटल आयन कंसिडर कर लिया, ठीक है। मेटल आयन जब आइसोलेटेड होता है, ओनली मेटल आयन होगा, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इसके डी सबशेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पर कोई D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला ले लिया मेटल आयन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रहेंगे, है ना, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही इस मेटल आयन को कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो क्या होता है, लिगेंड के ऑर्बिटल्स और इस मेटल आयन के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, जहां पर ज्यादा रिपल्शन होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जहां पर कम रिपल्शन होता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर मैं ऑक्टाहीड्रल फील्ड में बात करूं, ठीक है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, एग्जाम्पल के लिए ऑक्टाहीड्रल को ही ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल, ठीक है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, आपके जो होती है दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और जिनकी ये, अब ये तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, T2g बोलते हैं, और जो दो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी सेम होती है तो इनको Eg बोला जाता है, ठीक है। अब आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, देखिए इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आएगा, 1, 2, 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आपको डालना है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी गैप आपका काफी ज्यादा है। अब देखिए, ऐसे लिगेंड्स जो क्या करते हैं, आपके डी और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि आप यहाँ पर आपकी क्या होती है, जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी, हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में इसको डेल्टा ओ बोल देंगे। सो आपका ईजी और T2g ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जब यहाँ पर आपका एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो ये कौन कर पाता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर पाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, यहाँ पर ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, अब हम यहाँ पर कहेंगे इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जाता, वो यहीं पहले पेयर हो जाता है, देन उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। तो तीन इधर आ गए हैं, इधर आपका 4, 5, 6 अब ये ऊपर जाएगा, इधर 7th इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। तो किसके केस में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके आपके जो जब इनको अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल्स को मेटल आयन के, उनको ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पर आपके क्या होता है, इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें वीक फील्ड लिगेंड की बात, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा नहीं कर पाते, इनमें स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। जो मेटल आयन के ऑर्बिटल्स रहेंगे, स्प्लिटिंग कम होगी, तो दैट मींस इसमें आपका T2g और ईजी जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा ओ रहेगा वो आपका कम होगा। तो हम कहेंगे जब अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन D7 वाला ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1, 2, 3, अब 3 के बाद आप यहाँ फिल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपका एनर्जी यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 5th यहाँ, 6th यहाँ, 7th यहाँ, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्या होता है, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो यहाँ पर क्या करता है, स्प्लिटिंग कम करता है, ड्यू टू दैट आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ईजी में जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, फिर इस तरीके से पेयरिंग होगी। बट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन नीचे ही पहले पेयर हो जाता है, देन वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, हमारी पेयरिंग होती है, ठीक है, पेयरिंग होती है, और आपका वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ईजी में जाता है, देन उसके बाद अगर बच गया तो वो नीचे पेयर होगा, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, आपके जो एक ऑर्बिटल में जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी क्या होती है, स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होते हैं तो ये एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दो इलेक्ट्रॉन ने, इन दो इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या कर दी होगी, कैंसिल आउट कर दी होगी, जो स्पिन मिलेगी आपको कॉम्प्लेक्स में वो केवल इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगी, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर स्पिन हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये क्या होता है, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर आपकी पेयरिंग नहीं होती, कंपैरेटिवली यहाँ पर आपकी पेयरिंग नहीं होती, पहले इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर जाता है देन आपका नीचे आता है ना, तो यहाँ पर अगर आपकी पेयरिंग नहीं होगी तो देखिए इन दोनों ने तो आपकी एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट किया होगा, बट इसने किसी की इसकी स्पिन कैंसिल आउट नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, आपका यहाँ पर स्पिन क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स के केस से, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जहां पर आपके क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे उस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको बोले थे कि इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, जब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स में तो क्या बोलते हैं, हाई स्पिन, हाई एनर्जी, लो स्पिन या स्टेबल, तो हम इनको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाता है, आपका आपका वीक फील्ड लिगेंड बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। हाई एनर्जी बोल रहे हैं तो हाई एनर्जी भी हम नहीं कहेंगे, बिकॉज देखिए आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपके
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही फिल हो जाते हैं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा हम कहेंगे यहाँ पर एनर्जी हमारी क्या होगी, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही चला जा रहा है, तो दैट मीन्स आपकी इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। इसकी एनर्जी क्या रहती है, आपकी थोड़ा कम रहती है, तो हम इसको हाई एनर्जी तो नहीं बोल सकते। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बोल रहे हैं, देखिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ओनली हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर उसको स्टेबल या हम उसको अनस्टेबल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल भी इसको हम नहीं बता सकते स्टेबिलिटी उसकी, तो हम क्या बता सकते हैं, ओनली हाई स्पिन और लो स्पिन बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये लो स्पिन होता है, तो दैट मींस ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।